दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मैं प्रभात रंजन आप सबों का अपने जुगाड़ टेरेस गार्डन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक कोई नई टॉपिक मैं नहीं बनाने जा रहा। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मेरा एक अपडेट है कि मेली बग के ऊपर मैंने एक अपडेट वीडियोज़ बनाई थी, होली के टाइम की वीडियोज़ थी मेरी, उसका अपडेट देना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी बंधु, कोई भी हमारे गार्डनर बंधु या जो भी हो, अगर ऐसा कह रहे हो कि आप एक स्प्रे डाल दिया तो फिर मेलीबग से छुटकारा हो गई, ऐसा कोई भी कहते हैं ना तो गलत कहते हैं, या हो सकता है उनके सर्कमस्टेंस अलग हो, गलत तो कहते हैं। या मेरा ये अनुभव है और मैंने जो देखा है, ये जो मेलीबग हैं, फिट्स हैं वगैरह हैं, ये बहुत ही ढीठ कीड़े होते हैं। तो अभी आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, मैं एक अपने स्टेम को दिखा रहा हूँ। ये जो स्टेम है इसमें मेलीबग अटैक है। मैंने कई दफ़ा इसकी जो है ना स्प्रे की है और स्प्रे में अच्छा सभी प्रोसेस मैंने अपनाया। वीडियोस भले ही मैंने कुछ एक डाले हों, लेकिन मैंने मॉकटेल मेथड, सोप सॉल्यूशन मेथड, नीम ऑयल मेथड, बहुत सारे गौमूत्र वगैरह जितना है बहुत सारे मैंने इस पर ट्राई किए। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कीड़े होते हैं ना मेलीबग, इसके साथ अगर चींटियाँ लगी हो ना तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इसे भगाने को। मैं भी इसमें मशक्क़त कर रहा हूँ और इसे भगाऊँगा, क्योंकि अगर मेरे पौधे बड़े होते ना तो मैं इसे ट्रिम कर देता, इसकी प्रूनिंग कर देता, सबसे अच्छा उपाय था, और इसे कहीं दूर जाकर फेंक देता या तो इसे डिस्ट्रॉय जला देता या कुछ भी। लेकिन दोस्तों ये हार्ड प्रून है और अप्रॉक्स ये बहुत छोटे गमले में, लगभग ये समझ लो कि ये अड़हुल की, गुड़हल की आप बोनसाई देख रहे हो और इसकी बोनसाई बनने वाली है। अब इससे मुझे मेलीबग हटाना है तो बार बार मैं इस पर कोई भी सॉल्यूशन, चाहे सॉप सॉल्यूशन ही क्यों ना हो या जो भी हो, बार बार कर नहीं सकता। तो इसका एक ही उपाय है, आप एक दो बार करें और उसके बाद जब भी हो जेट स्प्रे कर दें। जेट स्प्रे नहीं हो तो मेरा ये जुगाड़ू स्प्रे आप देख सकते हैं, ये 50 रुपये की मार्केट में मिलती है, पेप्सी की कोला की बोतल में आप लगा लो और इस तरह से इस पर फोर्स लगा के फोर्स से इसको धो डालिए। सभी शूटिंग्स को मैं धो रहा हूँ इसे, जो गिरेंगे उसे मैं मार डालूँगा, हाथियों की तरह उस पर चढ़ के कुचल डालूँगा। गौर से देखें इस टहनी पे मैंने जो स्प्रे किया है, ये आप देख सकते हैं, ये इस पर लुढ़क कर गिरा है और इसमें इस टहनी में और भी कई सारे मतलब मेलीबग्स का अटैक आप देख सकते हैं। इस मेलीबग को मारना समझ लीजिए किसी दैत्य का संहार आपका है। अभी ये देखिए मैं इसे अभी उठाऊँगा, और जो भी मेलीबग आप ज़मीन पर देख रहे होंगे, जो भी गिरे हैं, मैं उसे तत्दानम निकंदनम करने वाला हूँ। ये देख लो, ये
इन सभी दानवों का मैं संहार कर रहा हूँ अपने पांव तले। देख लो यहाँ भी है वाइट वाइट। ये और कुछ भी नहीं है, बस मैं पानी की स्प्रे मार रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा महंगा उपाय करना नहीं है दानवों को मारने के लिए। मैं इसे दाना भी कह सकता हूँ, बहुत परेशान करते हैं, और इन दानवों को मारकर जैसे मच्छर को मारने जैसा सुकून आता है। इसे आप इस स्प्रे से नीचे गिरा डालो। वैसे तो सारे गिरते नहीं हैं, कुछ पौधे की जड़ में ही रह जाते हैं, लेकिन दो चार बार करते रहने से फ्री टाइम में आप इसे कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो सुबह का समय है, 5:30 से ज़्यादा, अभी 6 बजने की ओर होंगे, और मेरी ड्यूटी है 6:30 से, तो मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस ये जेट स्प्रे आप इस तरह से बना लो और उसके बाद फिर करते रहो, बच्चों से करवाते रहो, उसे उन्हें भी बहुत मज़ा आता है। आपने देखा होगा मेरी बेटी मेरे साथ बहुत स्प्रे करती है या कुछ भी वीडियोस बनाती है, तो पहले वीडियोस बनाने का जो है, एक तो बच्चों में गार्डनिंग आती है, एक प्रोसेस है, एक डिसिप्लिन कह सकते हैं, इसे आप करें, बच्चों से भी करवाएं, तो वो भी समझेंगे पेड़ पौधों की अहमियत को और वो भी ध्यान देंगे। नहीं तो आज के डेट में सभी पबजी वगैरह मोबाइल ऑनलाइन ये सब गेमिंग वीडियोज़ पर ही रहते हैं। तो बच्चों को एक नई दिशा दें, सुबह अपने साथ गार्डनिंग करवाएं। अभी तो वो सो रही है, लेकिन मैं उसे अक्सर हाँ अपने साथ ले आया करता हूँ, ये कह के कि चलो बेटा वीडियोस बनाएंगे, कीड़ों को मारेंगे, दानवों का दलन करेंगे, दुष्ट दत्त निकंदनम, ये सब बोल के मैं उसे छत पे ले आया करता हूँ। तो फिलहाल आज वो नहीं है, लेकिन मैं फिर अगली वीडियोस में उसे लाऊंगा, तो बने रहे मेरे इस वीडियोस को देखने के लिए। बस इसी तरह स्प्रे करना है और कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। और जो बंधु हमारे गार्डनर बंधु और जो भी जिनके भी चैनल्स, वो कहते हैं कि एक ही स्प्रे में छुटकारा मिल जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है एक ही स्प्रे में मिल जाते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, मैं पहले भी स्प्रे कर चुका था और फिर से इस पर स्प्रे करके नीचे इस पर गिरा रहा था। तो हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट, बने रहे। अभी तक आप अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं तो चलिए, अच्छे मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मेरे लवर्स हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद इतना लास्ट तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में।